छत्तीसगढ़ को बेहाल किए हुए है और बीते 72 घंटे से पारा रफ्तार पकड़े हुए है। पहले बिलासपुर अधिकतम 46.2 डिग्री रिपोर्ट हुआ तो सोमवार को रायपुर में तापमान बीते 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45.8 डिग्री जा पहुंचा। अगर तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा है तो लोगों को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संभव हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर न निकलें और अगर बाहर जाएं तो शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलें। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाया है। रायपुर की बात की जाए तो 44.8 कल का तापमान था। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी या नहीं, ये सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी मौजूद है। उनसे जानते हैं किस प्रकार हाल रहने वाला है और क्या अभी स्थिति है गर्मी की। अभी फिलहाल कल जगदलपुर में 22.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण से जगदलपुर क्षेत्र मतलब बस्तर डिवीजन में अभी फिलहाल 2-3 दिन तो गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन दुर्ग रायपुर सहित नार्थ छत्तीसगढ़ मतलब बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अभी फिलहाल कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। टेम्परेचर में विशेष परिवर्तन होने के चांस नहीं है और अभी फिलहाल लू की स्थिति बनी हुई है, जो बनी हुई है वो अभी 1 से 2 दिन अभी चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कुछ सिस्टम प्रभाव ऐसा बन रहा है? एक सिस्टम था कल जो छत्तीसगढ़ और उससे लगा हुआ साउथ छत्तीसगढ़ साउथ उड़ीसा के पास 0.9 किलोमीटर पर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ था, जिसके कारण से ये कल काफी बादल आए और ओले भी गिरे थे, पानी बरसा था, तो ये कारण था। और चूंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही है जिसके कारण से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। सर रायपुर बिलासपुर में कोई आसार है क्या, बारिश अभी हो जाए, थोड़ी बहुत राहत कम से कम मिल जाए, कितने दिन तक अभी ऐसा नहीं होगा? अभी फिलहाल 29 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29 या 30 को रायपुर में बारिश थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद फिर संभव है कि 1-2 जगह और बारिश हो। तापमान कब तक अभी बढ़ा हुआ रहेगा, 46 के पास जा सकता है क्या तापमान? अभी 45-8 है, इस साल का सबसे हाईएस्ट है, तो कब ज्यादा जा सकता है? चूंकि तापमान है लगभग पिक पॉइंट पर पहुंच चुका है तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन के आसार दिखाई नहीं देते हैं। तो बस्तर में थोड़ी बहुत राहत गर्मी से लोगों को होगी, लेकिन अगर रायपुर बिलासपुर से तमाम जो मैदानी इलाके हैं अगर उसकी बात की जाए तो अभी भी जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।